हेलो दोस्तों, आज हम पेंसिल के जरिए कैलीग्राफी कैसे की जाती है वो सीखेंगे। हमने इस वीडियो में 6B नंबर के पेंसिल का उपयोग किया है। आप चाहे तो 2B 4B पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी लिखावट डार्क होती है। अभी पेंसिल शार्पन करते हैं। याद रहे, काफ़ी सावधानी से पेंसिल शार्पन करनी है, नहीं तो उंगलियों को चोट पहुंच सकती है। पेंसिल से कैलीग्राफी करते समय हमें पेंसिल दोनों साइड से इस तरह से फ्लैट रखनी है। अभी हम पेंसिल दोनों तरफ से पेपर पर इस तरह से घिसेंगे ताकि लिखने में आसानी हो। अभी कैलीग्राफी लिखना शुरू करते हैं। हमने MNOPQR ये लेटर्स जानबूझ के छोटे लिखे हैं ताकि डिज़ाइन और लेआउट और भी खूबसूरत लगे। अभी इसे फाइन ट्यून करते हैं। Thank you for watching.